वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज से हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। बच्चों सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वीडियो जल्दी नहीं आ रहे थे। अब वीडियो आपको 1 वीक में 2 वीडियो तो ज़रूर मिलेंगे। तो आइए इस इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो इसमें है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बच्चों, हमने ये पढ़ा है। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो डिग्री 2 का होता है, 2 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। क्या होता था भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। तो ये तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन ये अगर fx के बराबर है, fx के इक्वल है, तो fx अगर 0 के इक्वल हो जाता है, इसका मीन्स ये भी 0 के इक्वल हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है, इफ fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, fx अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन fx इज 0, fx is equal to 0, fx 0 हो जाता है, तो उसी क्या कहा जाता है, quadratic equation कहा जाता है। ठीक, एक इसमें और भी x की वैल्यू निकालने का फार्मूला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ quadratic equation by फार्मूला, फार्मूला से हम quadratic equation का सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए है। देखिए, हम लोग कंसिडर किए कि ये एक quadratic equation है। क्वाड्रेटिक, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतने को बोलते हैं, अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो इसका निकालने, इसमें जो इसका सॉल्यूशन, इसमें x की वैल्यू फाइंड करने, इसमें कितने 0 जाएंगे, 2 0 जाएंगे, उसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद 1 by 1 हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से समझेंगे और नोट करते हुए चले जाएंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग 8th क्लास 9th क्लास में खूब पढ़ चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से वहां हम क्या फाइंड करते थे, वहां आप फाइंड करते थे, उसके 2 जीरोज नहीं निकालते थे, उसके 2 अलग अलग फैक्टर आते थे फैक्टराइजेशन मेथड से। जब वहां पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, उसके 2 फैक्टर हम फाइंड करते थे। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब एक्स के 2 वैल्यू हमको फाइंड करने हैं। तो यहां देखिए बच्चों, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इक्वल टू 0 इसमें दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों ये है 9x स्क्वायर, ये है -3x, ये है -2। तो सबसे पहले x स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है, उससे हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 2 जा कितना हो गया, 18। 18 का ऐसा फैक्टर हम फाइंड करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आए, और एड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आए भैया, 3 आए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 18 है, अगर हम 6 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 18 आता है, और 6 में 3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। इसी को हम 3 के प्लेस पे 6 - 3 राइट करेंगे। तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चों, 6 - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3x - 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम 3x कॉमन कर लेंगे तो आएगा बच्चों ये 3x - 2, और प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ये होगा 3x - 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x
प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों इक्वल टू जीरो है तो ये दो हमको जो फैक्टर इसके मिले हैं दोनों फैक्टर इक्वल जीरो हो जाएगा। ये थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों टू, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी टू बाई थ्री आएगी। और ये थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री। इसकी दो वैल्यू आ गई, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है और कॉन्स्टेंट 21 है। तो 21 8 जा 168 होता है, तो 168 का ऐसा फैक्टर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 168 आए और एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 22 आए। तो अगर हम 28 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आता है, या 28 में 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 22 आता है। तो इसी को हम यहाँ राइट करेंगे 8x स्क्वायर माइनस 28 माइनस 6 एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से होगा 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। 4x यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2x माइनस 7 प्लस यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 3, तो 2x माइनस 7 यहाँ पे भी आएगा इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों में 2x माइनस 7 है तो 2x माइनस 7 को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों जीरो के इक्वल कर देंगे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो 2x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल कितना आ गया 7 बाई 2। यहाँ से क्या आ गया 4x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल कितना आ गया माइनस 3 बाई 4। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे जो भी वैल्यू इस पे दी गई है सबका पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, अगर जैसे कोई भी फ्रैक्शन होता था 1 बाई 2 और 1 बाई 2, तो इसका जब एलसीएम हम लोग फाइंड करते थे, एलसीएम अगर सेम नंबर है तो वही इसका एलसीएम होता था। वैसे यहां भी होगा बच्चों, यहां पे x माइनस 3 यहां पे भी है, x माइनस 3 यहां पे भी है, 2x माइनस प्लस 3 यहां पे भी है, 2x प्लस 3 यहां पे भी है। तो इसको एक ही बार राइट करेंगे वही इसका एलसीएम हो जाएगा, x माइनस 3 और 2x प्लस 3 ये इसका एलसीएम हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके डिनोमिनेटर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा इससे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 प्लस इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा, ये इसका 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा x माइनस 3। अब यहाँ देखिए बच्चों दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इसको ऐड कर देंगे 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 और अपॉन में जो है आप ध्यान से देखिए इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, तो इज इक्वल टू जीरो राइट करेंगे। यहां से क्या मिला बच्चों 4x स्क्वायर 6x 1x 7x और 3x 10x, 9 में से 3 सबट्रैक्ट होगा तो प्लस 6 आएगा इज इक्वल टू जीरो। 2 कॉमन करके इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। यहां नहीं समझ में आया क्या, आइए देख लेते हैं इसको। 2 हम लोग इसमें से कॉमन कर रहे हैं, जब 2 हमने कॉमन किया तो 2 को यहां से डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां देखिए बच्चों, यहां पे हमने क्या बताया था आपको, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे और कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर हम फाइंड करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए, ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद 5 आए। तो 3 2 जा 6, 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस यहां क्या ऐड करेंगे 3 प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, आप यहां से क्या कॉमन करेंगे, क्या कॉमन हो रहा है दोनों में, दोनों में ओनली x कॉमन हो रहा है। तो ये हो गया 2x प्लस 3
और यहाँ से प्लस वन कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स प्लस थ्री बोथ में से हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दोनों को इक्वल, दोनों जीरो को इक्वल कर देंगे तो यहां से आएगा टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री या एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। यहां से एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस वन। ये दो वैल्यू आई इसकी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ए बी देख के आप घबराइएगा मत। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस, आप देखिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता था उसके लिए डबल टर्म रोकते थे, यहाँ पे ऑलरेडी उसने प्लस करके राइट कर दिया है, उसी को हमको केवल मल्टीप्लाई कर देना है बस। 2 का जब a पे मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 2 का b मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए तीनों मल्टीप्लाई में है ना, तीनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में बच्चों 4 नहीं 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x माइनस ए स्क्वायर, ये बचा माइनस। इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो हम बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो बच्चों बचेगा क्या, क्या बचेगा यहाँ पे, 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो या 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अलग अलग जीरो कर देंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर, या x इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई टू। और सेकंड में 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर, या x इज इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर बाई टू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दैट डाउन। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही है। नहीं बच्चों, हमने 5 का फर्स्ट यहाँ पे राइट कर लिया है, इसको 4 का फर्स्ट हम राइट कर देते हैं। ये है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमने कॉमन किया तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी, यही बचेगा, यही बचेगा, बी स्क्वायर कॉमन किया एक्स कॉमन किया, हाँ यही बचेगा माइनस। यहां से अगर हम वन कॉमन करते हैं, नहीं बच्चों यहाँ पे वन बचेगा क्योंकि टोटल कॉमन हो चुका है, वन कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम ए स्क्वायर एक्स प्लस वन कॉमन करेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा या एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस, यहां देखिए बच्चों ए अपॉन ए प्लस बी है और यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन ए है, यहाँ पे एक्स है, एक्स का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां देखिए बच्चों दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस। यहां देखिए बच्चों, यहां अभी आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा होगा बट हमको इस टर्म में इसको बनाना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x अकेला है तो यहाँ x अकेला करना पड़ेगा, उसके लिए इसको पूरा कॉमन करना पड़ेगा, हम लोग कॉमन कर लेते हैं। चलिए, तो कॉमन करने का मतलब ये होता है बच्चों कि जब कहीं से कोई चीज कॉमन करते हैं तो अगले टर्म में उसका रेसिप्रोकल वहां आ जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, x तो यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा, a अपॉन ए प्लस बी आएगा इज इक्वल टू जीरो।
तो x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी हो गया और x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए हो गया इज इक्वल टू जीरो। यहां से x वैल्यू आ गई माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, यहां से x वैल्यू आ गई माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कई पार्ट हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें का, तो यहां देखिए बच्चों, हमने एक बार बताया था आपको जब एक्स का जो कोफिशिएंट होता था उसके दो टर्म हम फाइंड करते थे, तो यहां पे ऑलरेडी वो दिया गया है। तो ये है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए सी एक्स आ जाएगा माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में क्या क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, बी एक्स कॉमन हो रहा है, बी एक्स कॉमन करेंगे यहाँ ए एक्स बचेगा प्लस बी बचेगा, और यहाँ से माइनस सी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस सी बचेगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दें, जब कहीं भी हम निगेटिव साइन कॉमन करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ निगेटिव साइन हमने कॉमन किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी बोथ में से कॉमन करेंगे बचेगा बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ हो गया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, या ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ हो गया बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ये तो ऑलरेडी है तो सी को उधर ले जाएंगे तो बी एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा, एक्स वैल्यू क्या आएगी सी अपॉन बी आएगी। सेकंड क्वेश्चन को इसको देखते हैं, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों, हम आपको बोल के बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ए प्लस वन अपॉन ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। तो ये हो जाएगा बच्चों, थोड़ा नीचे में राइट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ए का एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा ए एक्स आएगा, प्लस वन अपॉन ए का मल्टीप्लाई करूंगा वन अपॉन ए एक्स आएगा, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप का है ये। तो इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x बचेगा प्लस a बचेगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम 1 अपॉन a कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा x प्लस a बचेगा इज इक्वल टू जीरो। x प्लस a यहाँ से कॉमन करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, x प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस a, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का हम थर्ड सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में प्रोडक्ट किए जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, और थोड़ा इसको देख के आप लोग घबरा जाते हैं। यहाँ क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि x की जो वैल्यू आएगी, x का जो सॉल्यूशन आएगा, जो वैल्यू आएगी वो 2 नहीं होनी चाहिए और 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को हमको प्लस करना है तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 4। x माइनस 2 से इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मीन x माइनस 1 और x माइनस 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई के ऊपर ऐड कर दिया प्लस। इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच्चा इसको से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऐड कर दूंगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। मल्टीप्लाई में करता हूं तो ये x का x में x स्क्वायर हुआ, x का 4 में माइनस 4 x हुआ, 1 का x में माइनस x, 1 का 4 में प्लस 4 प्लस x का x में x स्क्वायर और x का 3 में माइनस 3 x, 2 का 2 x और 2 3 जा प्लस 6 अपॉन। यहां भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का x में x स्क्वायर, 4 में माइनस 4 x माइनस 2 x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 बाई 3। यहाँ क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, 4x x 3x 2x ऑल नेगेटिव में है तो सबको प्लस कर लेंगे और माइनस साइन लगाएंगे, तो 4x 1x 5x 3x 8x 8 टू 10x 4 6 10 हो गया अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 to 6x plus 8 is equal to 10 by 3। अब यहां पे बच्चों क्या करते हैं, जब दो फ्रैक्शन ऐसे आ जाते हैं इक्वल में, जो इक्वली जो है
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रहते हैं तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब 10 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये क्या आएगा 3 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां मल्टीप्लाई में करता हूं 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों इस सारे टर्म को एक साइड में लाता हूं, इक्वल टू 0 यहां पे नहीं होगा क्योंकि टोटली इक्वल तो है ही, सबको एक साइड में लाता हूं, यहां नहीं दिख रहा होगा आगे में राइट करता हूं या यहीं राइट कर देता हूं, ये हो गया 10x स्क्वायर प्लस माइनस 60x प्लस 80 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 10x स्क्वायर में 6x स्क्वायर कटेगा तो आएगा कितना 4x स्क्वायर, 60 30 ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर तो 30x आएगा, 80 में 30 कटेगा कितना आएगा 50 आएगा इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं, जब 2 कॉमन करेंगे कितना बचेगा बच्चों यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको मुझे ऐसा बनाना है कि 25 टू जो 50 मल्टीप्लाई करने के बाद 50 आए, आइडिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15 आए, तो 10 5 जो 15 10 प्लस 5 2x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ये हो गया कितना 2x यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 आएगा और माइनस 5 कॉमन करते हैं तो x माइनस 5 यहाँ पर भी आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x माइनस 5 और हो गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, x वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, यहाँ 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, 2x इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बाई 2, दो वैल्यू आ गई, चेक कर लो राइट है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं, तो बच्चों यहां से थोड़ा टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये वैल्यू रूट में आ गई है, इसको देखिए घबराइएगा मत, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहां इसका जो कोएफिशिएंट होता है इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, तो ध्यान से देखिए मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है 2√6। तो ऐसा कोई दो नंबर लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए, ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद 2√6 आए, तो आइए हम लोग उसको फाइंड करते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं रूट सिक्स और रूट सिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 6 आता है, और रूट सिक्स और रूट सिक्स को ऐड करता हूं तो क्या आता है 2√6 आता है। इसी को हम लोग राइट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस यहां क्या राइट करेंगे रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम देखो ध्यान से देखो गड़बड़ी यही बच्चे करते हैं, ये रूट 6 का मतलब क्या होता है, रूट 6 को मैं रूट 2 इंटू रूट 3 राइट कर सकता हूं कि नहीं राइट कर सकता, आराम से राइट कर सकता हूं, या कहीं कोई नंबर अगर अकेला 3 है तो क्या मैं इसको रूट 3 इंटू रूट 3 राइट कर सकता हूं, बिल्कुल राइट कर सकता हूं। तो यहां देखिए बच्चों अगर ये 3 है, 3 है, 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 राइट कर दिया, यहां 6 को रूट 2 और रूट 3 राइट कर दिया, तो क्या दोनों में मुझे रूट 3 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो रूट 3 मैं कॉमन कर लूंगा और x भी कॉमन कर लूंगा, तो रूट 3 x मैंने कॉमन किया, एक बार रूट 3 यहां बच जाएगा तो रूट 3 x बच जाएगा, अब यहां से मैंने रूट 3 निकाल लिया है तो रूट 2 बचेगा, फिर मैंने रूट 2 राइट कर दिया माइनस, यहां ध्यान दीजिए बच्चों रूट सिक्स को मैं तो ये राइट कर सकता हूं लेकिन 2 को मैं क्या राइट कर सकता हूं, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 में राइट कर सकता हूं, तो क्या दोनों में रूट 2 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मैं रूट 2 कॉमन कर लिया तो यहां पे क्या आएगा रूट 3 एक्स माइनस कॉमन किया तो माइनस आएगा रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 और रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया
रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट टू, एक्स इक्वल टू रूट टू बाई रूट थ्री, या इसको राइट कर सकते हो एक्स इक्वल टू रूट में टू बाई थ्री, वही वैल्यू इसकी भी आएगी, एक्स इक्वल टू यहां से भी आएगी क्योंकि सेम वही है तो रूट थ्री बाई थ्री। चेक कर लो, चेक कर लो, टू थ्री बाई राइट राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव का फिफ्थ हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x माइनस वन और x प्लस फाइव। यहाँ से x माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, x प्लस फाइव बचा, इससे वन मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस फाइव आएगा माइनस। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस फाइव से x प्लस फाइव कैंसिल आउट हो गया, x माइनस वन बचा, यहाँ वन से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो बच्चों ध्यान से इसको, x माइनस वन ब्रेकेट में क्यों राइट किया मैंने, क्योंकि ये निगेटिव साइन है, इसका साइन चेंज कर देगा सिक्स अपॉन सेवन। यहाँ देखिए ये हो गया x प्लस फाइव माइनस एक्स प्लस वन अपॉन, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स पे एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सिक्स अपॉन सेवन। ये ऊपर x x कैंसिल आउट हो गया, सिक्स आ गया, सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सिक्स अपॉन सेवन। एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, अगर इक्वल में न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से कोई चीज है तो कैंसिल आउट हो सकता है, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कोई चीज है कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से ये कैंसिल होके वन आएगा, यहाँ से कैंसिल होके वन आएगा, तो ये हो गया आपका वन अपॉन। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन, वन जा सेवन हो गया। या इसको मैं राइट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो अब 12 कहां से आएगा बच्चों, देखो यहां राइट कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। सिक्स टू या ट्वेल्व होता है, बिल्कुल होता है, तो सिक्स माइनस टू फोर आ जाएगा आराम से, माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस सिक्स आएगा, माइनस टू कॉमन करेंगे यहाँ भी एक्स प्लस सिक्स आएगा इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस सिक्स बोथ में से कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस टू आएगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो गया एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स आ गया, एक्स इक्वल टू टू आ गया। चेक कर लो, टू एंड माइनस सिक्स राइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, अपॉन कुछ नहीं वन ले लेंगे, ये हो गया एक्स, या हम टेंथ क्लास पे हैं ऐसे नहीं सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का एक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इसमें करोगे थ्री एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स, या मैं राइट कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। टू वन जै टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया टू प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स कॉमन करेंगे एक्स माइनस टू आएगा, प्लस माइनस वन कॉमन करेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस टू आएगा इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू हो गया और x इक्वल टू वन हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेवंथ ब्लॉक सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां इन दोनों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम फाइंड करेंगे क्या आएगा, x प्लस फोर और x माइनस सेवन। यहां से ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस सेवन आएगा माइनस, यहाँ से कैंसिल आउट हो गए बच्चे, वन मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में ही राइट करेंगे कि बीच में माइनस लगा हुआ है इज इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी। ये हो गया एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स का एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का सेवन में माइनस सेवन एक्स, फोर का एक्स में फोर एक्स, फोर से बन जा ट्वेंटी एट इज इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी एट हो गया। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, सेवन फोर माइनस इलेवन हो गया, माइनस इलेवन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ग्रेटर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा थ्री एक्स आएगा, माइनस ट्वेंटी एट
इज इक्वल टू 11/30। अभी मैंने बताया था बच्चों कि ये अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी सेम है तो कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ माइनस वन आएगा कैंसिल आउट होकर यहाँ वन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा, या इसको राइट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, अभी अभी इसके पहले वाला यही आया था, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 बन जाए 2 माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करेंगे एक्स माइनस 2 आएगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे एक्स माइनस 2 आएगा इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स माइनस 2 कॉमन करेंगे एक्स माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और जितना आप शेयर करेंगे शेयर से ही हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया और जल्दी जल्दी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बस आज के लिए थैंक यू।